हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम यूजीसी नेट जो कि नवंबर में हुआ था 2021 में फर्स्ट शिफ्ट का, वो हम यहाँ पर पेपर देखने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है, दो सूचियाँ दी गई हैं और उसका क्या करना है, मिलान यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि एक तरफ स्मारक दिए हैं और एक तरफ क्या है, सुलेख कार दिए गए हैं। तो बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा के सुलेख कार कौन है, तो यहाँ पर देखते हैं तो बुलंद दरवाजा के हो जाएंगे अहमद अली चिश्ती। सही आंसर हमारा होगा बुलंद दरवाजा का, फतेहपुर सीकरी का, अब अहमद अल चिश्ती हो गया। आगे देखते हैं, आगे है अख्तर खां का मकबरा जो कि दिल्ली में है, इसका सही आंसर हो जाएगा बाकी मोहम्मद। तो बाकी मोहम्मद जो है वो हो जाएंगे अख्तर खां के। और शाह बेगम का मकबरा जो कि इलाहाबाद में है, उसका सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर वीर अब्दुल मुश्किन कमल। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है एतमादुल्ला का अकबरा आगरा में जो है, उसके जो सुलेखकार हैं वो है अब्द अल नबी अल कुरैश। तो आप सही आंसर जो है वो इस यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बुलंद दरवाजा शहर जो कि फतेहपुर सीकरी में है, अहमद अल चिश्ती, अख्तर खां का मकबरा जो कि दिल्ली में है, बाकी मोहम्मद, शाह बेगम का मकबरा जो कि इलाहाबाद में है, मीर अब्दुल्ला मुश्किन कलम एतमादुल्ला का मकबरा जो कि आगरा में है, अब अल नबी अल कुरैशी, ये जो हैं ये सही सुलेमित हैं। तो एक बार आप बार बार इसको देख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो यूजीसी ने एक नया पूछा है, नया पैटर्न, क्योंकि यहाँ के स्मारक पूछता है और उसको किसने बनाए ऐसे पूछते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सुलेखकारों के नाम यहाँ पर पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में रहता था। तो पिता पुत्र का जोड़ा जो है हुमायूं के दरबार में रहता था, इसका सही आंसर होने वाला है यहाँ पर कौन सा, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा मीर मुसब्बिर और सैयद अली। तो पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी, मुगल चित्रकला की जो नींव है हुमायूं के समय में ही पड़ी थी, तो हुमायूं के समय में ही पड़ती है, क्योंकि जो बाबर है वो बहुत ही युद्ध में और इन सभी व्यवस्थाओं में व्यस्त रहते हैं, तो उनको क्या है, चित्रकला का ये सब चीज़ें करने में उनको ज़्यादा रुचि नहीं थी और उनका ध्यान भी नहीं पड़ा। तो हुमायूं के समय में ही यहाँ पर नींव पड़ती दिखाई देती है मुगल चित्रकला की। और शेरशाह से पराजित होने के पश्चात जब हुमायूं ईरान से निवास कर रहा था, उस समय कुछ चित्रकारों से परिचित हुआ, उनके कामों से बहुत प्रभावित हुआ और उनमें से दो को अपनी सेवा में क्या कर लिया, आमंत्रित किया। ये कलाकार अबुद समद और मीर मुसब्बिर, यानी कि हालांकि किसी कारण से मीर मुसब्बिर हुमायूं के दरबार में उपस्थित नहीं हो सका, उसके जगह पर मुगल सेवा में उसका बेटा मीर सैयद अली उपस्थित हुआ, जिसे हुमायूं ने नादिर उर अस्त्र की उपाधि प्रदान की तथा अबू समद को सीरी कलम की उपाधि क्या की थी, प्रदान की थी। तो यहाँ पर जो है पिता पुत्र का जो जोड़ा पूछा गया है वो अब आपको यहाँ पर सही हो गया होगा कि यहाँ पर जो कलाकार है मीर मुसब्बिर और मीर सैयद जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो यहाँ पर जो है जहांगीर के कालों में किस किसने सफलता हासिल की थी, मतलब उनका जो फील्ड है चित्रकारों का वो कौन सा है। जैसे कि मंसूर, मंसूर जो है जानवरों के चित्र बहुत अच्छा बनाता था। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो चित्रकार है वो किस में निपुण है वो यहाँ पर पूछा गया है, वो भी जहांगीर के समय में। तो मंसूर जो है जानवरों का चित्र और फूलों का चित्र बनाता था। अबुल हसन जो है छवि चित्र यानी कि पोर्ट्रेट बनाने में निपुण थे। तो अबुल हसन जो है वो छवि चित्र को ही पोर्ट्रेट, मतलब यहाँ पर पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ पर है पूरा चित्र नहीं, मतलब ऊपर से नीचे तक पैरों तक का चित्र नहीं, सिर्फ उसका चेहरा जो है उस पर ज्यादा फोकस दिया जाता था। तो उसी को क्या है छवि चित्र के रूप में रखते हैं। तो छवि चित्र बनाने में अबुल हसन सबसे ज्यादा निपुण था। गोवर्धन साधु संतों संगीतज्ञों तथा फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो गोवर्धन जो एक अलग एक चित्रकार था वो साधु संतों संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो यहाँ पर जो है ABC जो है वो तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होता है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं। तो जहांगीर स्वयं एक चित्रकार था। तो यहाँ पर क्या है जहांगीर का समय जो है बहुत अच्छा था पेंटिंग के लिए, यहाँ पर बहुत सारी क्या है चित्रकारी की गई। और इनका काल जो है मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। जहांगीर अपने शहजादा काल में आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करता है। तो जहांगीर अपने शहजादे काल में ही आका रिजा, मतलब जब वो नवाब नहीं बने थे, राजा नहीं बना था, उससे पहले ही आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करता है। जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन को देखा, जो छवि चित्र के लिए फेमस थे, विशनदास, मंसूर, गोवर्धन, मनोहर, माधव, मोहम्मद मुराद, दौलत, फारूक बेग आदि प्रमुख हुआ करते थे। तो कभी कभी एग्जामिनर जो है वो पूछता है कि जो जहांगीर है उसके काल के फेमस जो हैं चित्रकार कौन से हैं, तो वो भी कूट बनाने के लिए आ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए किसके काल में कौन से चित्रकार थे, पेंटर्स थे। इसमें से कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी, जैसे उस्ताद मंसूर, जहांगीर ने उसे अल नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, कुल मिला के जो मुगल आर्किटेक्चर है, मुगल पेंटिंग है, तो उसको हमें क्या करना है, बहुत विस्तार में पढ़ना है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में नहीं पढ़ना है। एक एक चीज बारीकियों से क्या है हमें देखना है, तभी हमारा UGC NET जो है वो क्लियर हो पाएगा। आगे देखते हैं। और यहाँ पर जो है मंसूर जानवरों फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। और आगे है यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण कृत्यों में साइबेरिया का, मतलब एक एक साइबेरिया है और उसका एक विरला सारस का चित्र इसने बनाया था, तथा बंगाल का एक अनोखा पुष्प भी उल्लेख किया था। अबुल हसन जो है बादशाह शाहजहां ने इसे नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। तो किसको कौन सी उपाधि प्रदान की जाती है ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों यानी कि व्यक्ति चित्र मतलब वही जो मैंने बताया कि सिर्फ चेहरा चेहरा ही बनाने में इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, उसको छवि चित्र में महारत हासिल थी। किसको, अबुल हसन को और गोवर्धन को, साधु संतों संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण थे। आगे देखते हैं, यहाँ पर और है कि 1859 से लेके 60 तक का जो समय है वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन को क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर जो है किसान आंदोलन, मतलब एक मूवमेंट जो चले हैं छोटे छोटे, वो भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्या है क्वेश्चन आते हैं, तो आप 100 एक टॉपिक बना लीजिए, 100 टॉपिक में से आपको वही 100 टॉपिक आपको डिटेल में ही पढ़ना है।
और उसमें क्या है, आपका जिसका नहीं निकल पा रहा है वो इन्हीं 100 टॉपिक को विस्तार में पढ़ते हुए जाएंगे, तो आपका जो रुक रहा है नेट जीआरएफ होने से वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आंदोलनों से रिलेटेड है कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसका, तो इंडिगो रिवोल्ट हो जाएगा, नील विद्रोह हो जाएगा। नील विद्रोह और भी देख लेते हैं, नील विद्रोह जो है बंगाल के नदिया जिले में स्थित है, गोविंदपुर गांव में 1859 से लेकर 60 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। इस प्रथा को स्थानीय भाषा में ददनी प्रथा भी कहा जाता है। इस आंदोलन का समर्थन हिंदू पैट्रियार्क के संपादक हरिश्चंद मुखर्जी ने किया था। 1859 में नील दर्पण में दीन बंधु मित्र ने नील विद्रोह का समर्थन किया। यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। विकल्प में उल्लेखित अन्य आंदोलन कूका विद्रोह, फराजी विद्रोह, ये सारे के सारे राजनीतिक आंदोलन थे। वहीं पर मुंडा मुंडा जो है जनजाति विद्रोह था। कूका विद्रोह का नेतृत्व भगत जवाहर मल और फराजी विद्रोह का नेतृत्व जो है हाजी शरियत उल एवं उनके पुत्र दादू मियाँ तथा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। तो ये कुछ डिटेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत युद्ध की काल गणना का अभिलेख उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में हमें भारत युद्ध की काल गणना का उल्लेख मिलता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तो पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का राजा था, बिल्कुल था, और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में चालुक्य वंश के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के रचयिता कौन है, रवि कीर्ति। ये भी याद रखना है कि जो ऐहोल अभिलेख है वो किसने रचा था, लिखा था, तो रवि कीर्ति हैं इसके रचयिता। इस अभिलेख में भारत युद्ध यानी कि महाभारत युद्ध की घटना को काल गणना का उल्लेख किया गया है। तो भारत युद्ध से समझ लीजिए महाभारत की ही वो चर्चा कर रहा है, और महाभारत की चर्चा किसमें है, तो रवि कीर्ति कृत ऐहोल अभिलेख में। आगे देखते हैं और डिटेल में, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घोषी तहसील में से मधुबन ताम्र पत्र प्राप्त हुआ था, उसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती मुक्ति के सोमकुंड गांव के सवर्णी गोत्री भट्ट वाद स्वामी तथा विष्णु बुद्ध गोत्री भट्ट जो है शिव देव स्वामी को अग्रहार यानी कि भूमि अनुदान का उल्लेख है। प्रभावती गुप्त गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसका विवाह जो है बाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ संपन्न हुआ था। प्रभावती गुप्त का एक महत्वपूर्ण उल्लेख जो है पूना ताम्रपत्र अभिलेख है। हरहा अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जिले से प्राप्त हुआ है। यह लेख मोखरी नरेश ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा द्वारा खुदवाया गया था। इनके अध्ययन से हमें इस वंश के चार राजाओं के शासन की काल घटनाओं के बारे में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है वो भारत युद्ध की उल्लेख करता है, जो कि रवि कीर्ति द्वारा रचित किया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत के जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। तो हम जब अशोक का मौर्य पढ़ते हैं उसमें हम अशोक के पढ़ते हैं, या फिर मौर्य काल, सॉरी, जो मौर्य काल है उसमें हम देखते हैं कि जल व्यवस्था करवाई गई थी। तो यहाँ पे ए बी सी डी ये जो है तीनों के तीनों सही हैं। ए बी सी डी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या है, सही है यहाँ पर कल्हड़ कृत जो है राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया। कश्मीर के शासक अनंत वर्मन के समय है। सुए यानी सुई नामक अधिकारी ने झेलम नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी। पुष्यगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था उसने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील पर जल व्यवस्था के लिए बांध बनवाया था। तुषाप ने इस झील से नहरें निकालकर सिंचाई के लिए जल व्यवस्था का प्रबंध किया था, जो मौर्य सम्राट अशोक का सेन प्रांतपति था। सुविशाख ने रुद्र दमन के समय इस बांध का मरम्मत करवाई थी और उसे 3 गुना क्या किया था, मजबूत बनवाया था एवं जल प्रबंधन की व्यवस्था की थी। आगे देखते हैं,
अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कथन सही बताना है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ब्रिटेनी यानी कि ब्रिटिश प्रशासकों ने रेल मार्गों के तेज निर्माण और भारत के विदेश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर सही कथन हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है अगला है, राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कि ए और दो दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ब्रिटिश शासकों ने रेल निर्माण, मतलब उन्होंने क्या है यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिश शासक जो है रेल निर्माण इसलिए करवाया कि तेज निर्माण और मतलब रेल निर्माण का तेज निर्माण करवाया और भारत के विदेश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था, ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास को दर्शाता है, कि दोनों ही कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर, और आगे जो है और भी हैं यहाँ पर, पहला और दूसरा यहाँ पर सही था। राष्ट्रवादियों ने इस तथ्य की ओर जोर दिया कि वे जो है ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकता पूरी कर रहा था, लेकिन परिणाम स्वरूप वह भारतीय लोगों में समृद्धि भी ले आया। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा, राष्ट्रवादियों ने इस प्रकार का कुछ भी इस तरह से नहीं तथ्य पर जोर दिया था। आगे है 1905 तक धन निर्गम यानी ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बना था। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आप ए और बी ही केवल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उपनिवेशवाद पर यानी कि यहाँ पर हमने जो सिलेबस में देखा था, उपनिवेशवाद एक टर्मोलॉजी है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, और जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी हम ऐसे क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो उपनिवेशवाद जो टॉपिक है उसको कन्फर्म पूरा ही पढ़ना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या था। आगे है उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में ब्रिटिश शासकों ने रेल मार्गों के निर्माण और विदेशी व्यापार को भारत की समृद्धि के रूप में देखा। उनके अनुसार रेल मार्ग के निर्माण से माल के आवागमन में सुगमता आई, फलता व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा मिला, जिससे देश की प्रगति हुई। जबकि राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के इस विचारधारा का तर्कपूर्वक खंडन किया। राष्ट्रवादियों के अनुसार ब्रिटिश व्यापार रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में अल्प विकास को दर्शाता है, क्योंकि इस व्यापार ने भारतीय बाजार को कच्चे माल एवं तैयार माल का निर्यात एवं आयातक बना दिया था। विकल्प डी गलत हो जाएगा, वह जो है ब्रिटिश सरकार की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा था और परिणाम स्वरूप भारतीय लोग जो है समृद्धि भी कर रहा था, और विकल्प डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेन ऑफ थ्योरी जो है, डेन थ्योरी का सिद्धांत जो है 1896 में ही क्या है पेश किया गया था और शामिल कर लिया गया था, ना कि जो 1905 है वो किया गया था। तो ए और बी ही सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3,200 कस्बे थे। ये कौन कहता है, निजामुद्दीन अहमद ऐसा कहता है, बताता है कि अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3,200 कस्बे थे। व्याख्या देख लेते हैं, अकबर जो है मुगल काल का एक महान शासक था। उसका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट यानी सिंध में राणा वीसल वीर साल नामक राजपूत सरदार के घर में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। उनके पिता का नाम हुमायूं था। अकबर की के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार तेजी से हुआ। इस दौरान शहरीकरण और शहरों
की आबादी में भी वृद्धि होती है। निजामुद्दीन अहमद के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे। आईने अकबरी से पता चलता है कि नगर का प्रशासन कोतवाल नामक पदाधिकारी करता था, जिसका कार्य जो है आधुनिक नगर पालिका और पुलिस अधिकारियों के समान था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा जो सही है निजामुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हम। अगले क्वेश्चन में जो है हमें दिया गया है कि इन संधियों को कालक्रम के अनुसार रखना, निम्नलिखित संधियों को कालक्रम अनुसार रखें। श्रीरंगपट्टनम की संधि, लाहौर की संधि। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो हो जाएगी 18 मार्च 1792। लाहौर संधि जो है वो हो जाएगी 9 मार्च 1846। वर्षाई की संधि हो जाएगी 31 दिसंबर 1802। और जो इलाहाबाद कड़ा की है वो 16 अगस्त 1765। तो इस हिसाब से हमारा जो सही कूट है वो सी ऑप्शन, यानी कि डी जो है सबसे पहले आएगा। तो डी सबसे पहले आ गया, उसके बाद क्या होगा, सी ऑप्शन आएगा, पहले पे, फिर दूसरे पे, फिर जो है सॉरी, जो डी ऑप्शन है वो सबसे पहले है, फिर सबसे पहले पे आएगा, और फिर उसके बाद आएगा ए ऑप्शन, फिर उसके बाद सी ऑप्शन, और फिर है फोर्थ ऑप्शन। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं कि फावड़ा और हसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़े के उपकरण जो है महापाषाण युग के स्थलों में मिलते हैं। तो महापाषाण युग पूछा गया है, जहां पर बहुत बड़े जो है पत्थरों के अंदर जो है लोगों को दफनाया करते थे। तो यहाँ पर एक पिलर बना के उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता था, यही जो है महापाषाण युग है, और यहाँ पर लोहे उपकरण भी हुआ करते थे। आगे मास्की और नागार्जुन कोंडा जो है महापाषाण युग के स्थल हैं। तो दोनों ही क्या है, सत्य हो जाएंगे, ए बोथ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, मतलब दोनों ही कथन और दोनों क्या है सही है। आगे देखते हैं, ए ऑप्शन सही है, व्याख्या देखते हैं। नवपाषाण नवपाषाण युग की समाप्ति, नवपाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे बृहत तथा महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण किया करते थे। बृहत पाषाण को मेगालिथ कहा जाता था। ये कृषि फार्म से भली भांति परिचित थे। उनके द्वारा उत्पादित प्रमुख अनाज चावल, जौ, चना, रागी आदि थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े आदि इनके पालतू पशु थे। वे लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। समाधियों की खुदाई में विविध प्रकार के लोह उपकरण जैसे तलवार, कटार, त्रिशूल, चपटी, कुल्हाड़ियां, फावड़े, छेनी, हसिया, चाकू, भाला आदि पाए गए। साथ ही छोटे शस्त्र एवं घोड़े के लोह उपकरण भी मिलते हैं। महापाषाण युग से संबंधित बहुत से महापाषाण स्थल मिले हैं, जिसमें कर्नाटक से मास्की, ब्रह्मणे, हल्लूल और आंध्र प्रदेश से नागार्जुन कोंडा और कदमपुर आदि प्रमुख हैं। तो यहाँ पर कथन ए और दो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है वो तलाक की अनुमति देता है। तो यहाँ पर जो तलाक की अनुमति दे रहा है वो है
हमारा अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन है, केवल डी ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। कौटिल्य ने स्त्रियों से विवाह विच्छेद यानी तलाक की अनुमति अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दिया है। तलाक के लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। पति के लिए दिन तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती है। इस प्रकार पत्नी में व्याभिचारिणी होने या बांधया होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त धर्म सूत्र साहित्य में कालांतर में स्मृति साहित्य का विकास हुआ। स्मृतियों का निर्माण हिंदू धर्म के चरम का विकास को सूचित करता है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई है। स्मृतियों को मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक है। याज्ञवल्क्य स्मृति नारद और स्मृति गुप्त काल में क्या है रचित की गई थी। आगे है 5वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। ये स्मृतियां श्लोकों में लिखी गई थी तथा इनकी भाषा जो है लौकिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को सनद ए आली कहा नाम से संबोधित करता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ही अमीरों को सनद ए आली नाम से संबोधित करता है। सनद ए आली, तो बहलोल लोधी जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश यानी लोधी वंश का संस्थापक था, वो है अपने अमीरों सरदारों को मंसद ए आली कहकर पुकारता था। उनका राजत्व तो सिद्धांत जो है समानता पर आधारित था। वो अफगान सरदारों को अपने समकक्ष मानता था। बहलोल लोधी अपने सरदारों के खड़े होने पर खुद भी क्या हो जाता था, खड़ा रहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और फिरोज तुगलक क्रमशः गुलाम वंश तथा तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। अगला क्वेश्चन है, 31 यानी 31 अगस्त 1920 को स्थापित थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय जी थे। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका क्या है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है AITUC को एटक भी कहा जाता है। एटक का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था, 31 अगस्त 1920 को हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। इसके उपाध्यक्षों में जोसेफ बेप्टिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, C.F. एंड्रयूज एवं S.A. बारेबली थे। महामंत्री दीवान चमन लाल को बनाया गया था। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई और भारत भी इसका सदस्य बनना चाहता था। इसी दौरान 1920 में बंबई में NM जोशी, बेप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के सम्मिलित प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। अब यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं अगले क्वेश्चन में, उसका मिलान करना है कि कौन से मुगल शासक के समय में कुल जमा में खालिसा का अनुमानित हिस्सा था, मतलब खालिसा का कितना हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है अकबर के समय 1/4, जहांगीर के समय में 1/20, शाहजहां के समय में 1/7 और औरंगजेब के समय में 1/5। तो कुल जमा में खालिसा यहाँ पर सही आंसर दिए गए हैं। आगे देखते हैं, एक स्टेटमेंट है कि सुल्तान ने अमीर दरबारों के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर ना जाने और दावतों में सामूहिक पार्टी ना करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति के लिए बिना उनके बीच अंतर विवाहित की इजाजत नहीं दी। सुल्तान को पहचानना है तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी ने जो है अमीरों किसी भी उसमें शादी में सम्मिलित होना और शराब पीना ही नहीं, सबकी क्या है पाबंदियां लगाई हुई थी। सही आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जिसका समय पीरियड 1296 से लेकर 1333 ईस्वी रहता है, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक था
उसका मूल नाम जो है अली गुरशाक था। तो एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम है वो अली गुरशाक था, उसका मूल नाम क्या था, तो अली गुरशाक था। उसने द्वितीय सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग विजेता जैसी उपाधियां धारण की थी और धर्म को राजनीति से पृथक रखा हुआ था। तो ये जो लाइन है बिल्कुल यहाँ से जो लेके यहाँ तक क्या है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आप इसको रट लीजिए कि किसको क्या कहा गया, किसने क्या। और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा जो है अलाउद्दीन खिलजी से हमेशा आता ही आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है, यहाँ से कंपलसरी है कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो सही होने वाला है। और यूजीसी नेट में एक एक क्वेश्चन से ही हमारा क्या है नेट JRF क्या है रुक जाता है। तो इसलिए हमें हर चीज को क्या है 100 टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से करना है, डिटेल में करना है, तो आपका जो है नेट JRF क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यामिनी अल खिलाफत यानी खलीफा का नायब की उपाधि भी धारण करता है। इसने विद्रोह के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। पहला है धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीन ली थी, गुप्तचर विभाग का गठन किया था, मद्यप निषेध को लागू किया था, अमीर मलिकों दरबार के अधिकारियों और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर जाने, सामूहिक दावत खानों में पार्टी ना करने का आदेश दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सर्वाधिक 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे, और उसी ने इसी वजह से क्या है मंगोलों के आक्रमण से ही उसने इतनी अच्छी जो है सैन्य व्यवस्था अपनी बनाई थी और उसी के लिए उसने जो है बाजार व्यवस्था भी लागू किया था। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 का फिर से मिलान करना है। तो यहाँ पर एक टर्मोलॉजी है और यहाँ पर क्या है मिलान करना है। तो मूल्य जो है वो हो जाएगा मूल्यो पशु चरित क्षेत्र, पालो जो है सूक्ष्म हो जाएगा, पालो सूक्ष्म हो जाएगा, कुरीची जो है पर्वतीय हो जाएगा, और मारुत जो है वो हो जाएगा नदीय भूभाग। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं और उसका क्या करना है हमें मिलान करना है। तो सूचियाँ देखते हैं, तो यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ है यक्षिणी या शासन देवता और दूसरी तरफ है तीर्थंकों से संबंध करना है। जैसे सिद्धायिका जो है यानी कि यक्षिणी है, उसका किस रिलेटेड है, कौन सा तीर्थंकर से रिलेटेड है, ये हमें बताना है। बाकी है चक्रेश्वरी और अंबिका पद्मावती। तो ये सारे के सारे जो है नया क्वेश्चन है। जब भी एक ट्रिक है यहाँ पर, जब भी आपने मान लीजिए पूरे जो है क्वेश्चन आपने जो एग्जाम में आए हुए हैं अब तक UGC वाले वो आपने पढ़ लिए, अगर उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत टफ हैं, आपको नहीं आते हैं लेकिन आपको ऑप्शन लगाना है, तो उसका एक ही सही सलूशन है, आपको ए ऑप्शन ही सही लगाना है। ठीक है, तो कई बार क्या है, अब यहाँ पर देखिए इतना टफ क्वेश्चन है लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो ए है। तो एक ट्रिक है, हो नहीं सकता पूरी तरह से सही है लेकिन फिर भी एक जो 50% हो सकता है कि हमारा सही हो सकता है। तो आगे देखते हैं सिद्धाई का जो है उसका देखते हैं, सिद्धाई का महावीर हो गया, चक्रेश्वरी का हो जाएगा आदिनाथ, अंबिका का हो जाएगा नेमिनाथ और पद्मावती का हो जाएगा पार्श्वनाथ। तो पद्मावती पार्श्व से पा वाला जो है इससे पार्श्वनाथ, तो पद्मावती का पार्श्वनाथ, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता है। तो इसका भी देखिए कितना टफ क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, भारूड़ जो है वो सही है। आगे देखते हैं, भारूड़ जो है रंगमंच पर कला आत्मक कृतियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक मराठी नाटकीय गीत है। यह 2 स्वरूपों में विभाजित है, ए जो है उपदेशक रूप या भौतिकवादी रूप और दूसरा जो है आध्यात्मिक रूप। इसमें दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ नैतिक निर्देश भी मिलता है, जो संत जो है एकनाथ 1528 से लेकर 99 को
125 विषयों पर 300 भारूढ़ जो है लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो ये भारूढ़ शब्द टर्मोलॉजी कहाँ से आई है, संत एकनाथ ने दिए हैं और वर्करी संप्रदायों ने संतों के 13वीं सदी में के दौरान समाज में अलख जगाने के लिए जो छंद क्षेत्रीय भाषा में लिखे उन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। बच्चों के जन्म लेने के उपरांत पारंपरिक देवों को याद कर गाए जाने वाले गीतों का पालन या पालना के रूप में जाना जाता है। तो वचन एक प्रकार का मराठी कविताओं का संग्रह है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर सारी टर्मोलॉजी दी है, तो यहाँ पर मराठी भक्ति काव्य का सही आंसर हो जाएगा भारूढ़। बाकी अभंग वचन और जो है पाला इन सब के बारे में भी बताया गया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में अपधातु मुद्रा यानी बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया, यानी चांदी के जो सिक्के हैं उसको लगभग से लगभग पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। उसका जन्म जो है उसके हिंदू पत्नी बीवी जैला के गर्भ से हुआ था। उसका मूल नाम जो है कमलाउद्दीन फिरोज था। उसने शशगनी यानी कि छह जीतल यानी चांदी की। आगे देखते हैं प्रचलित मुद्राएं जो है प्रचलित करवाई थी और आधा जो है यानी 1/2 और बिख जो है 1/4 भाग जो है चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के थे। धीरे धीरे चांदी के सिक्कों ने पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर लिया, मतलब चांदी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने तांबे और चांदी के मुद्राएं जारी करवाए थे जिस पर शासन का नाम टकसाल कलमा आदि का अंकन किया हमें देखने को मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सांकेतिक मुद्रा यानी कि तांबा और जीतल का प्रचलन करवाया था। बलवन के सिक्कों पर खलीफाओं के नाम अंकित किया मिलता है। तो यहाँ पर एक बात देखने की है कि चांदी के पूरे तरह से चांदी का जो है सिक्के वो सब जगह फैल गए थे, तो यही यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे सही आंसर क्या था यहाँ पर, हमारा फिरोज शाह तुगलक है। और यहाँ पर सबके समय में कौन कौन से तांबे सिक्के थे वो भी बताए गए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय तांबे और चांदी की मुद्राएं जारी करवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सांकेतिक मुद्रा थी और यहाँ पर जो है बलवन के सिक्कों पर मेन जो मिलता है वो हमें खलीफाओं का नाम अंकित मिलता है। वहीं हम अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर देखें जो कि तांबे और चांदी के थे, तो यहाँ पर शासक का नाम यानी अलाउद्दीन खिलजी का नाम मिलता है और टकसाल का नाम मिलता है और कलमा का भी अंकन मिलता है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्राचीन व्याकरणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है। तो महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है हमारा आचार्य एवं उपाध्याय। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। प्राचीन व्याकरणों के अनुसार आचार्य एवं उपाध्याय महिला शिक्षा, तो महिला एजुकेटेड जो है प्राचीन भारत से रिलेटेड हमें एक टॉपिक है जो कि बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ऋषियों एवं महाउपाध्यायों द्वारा गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने के लिए आचार्य एवं उपाध्याय के साथ साथ महिला आचार्य एवं उपाध्याय का भी चयन किया जाता था। ये शिक्षा विधा ही नहीं बल्कि शस्त्र विधा के साथ अन्य सभी ज्ञात विधाओं में भी पारंगत होते थे। इनके द्वारा 32 विधाओं एवं 64 कलाओं को केंद्र में रखकर प्रमुख विषयों जैसे वेद दर्शन उपनिषद व्याकरण गणित चिकित्सा संगीत कला न्याय एवं युद्ध विधा आदि का ज्ञान प्रदान किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोखा मेला के बारे में कौन सा कथन सही है। चोखा मेला क्या था, तो वर्करी संत थे, बिल्कुल सही है। इसकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई है, बिल्कुल सही है। विट्ठल के महान उपासक होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि का निर्माण
पांडरपुर स्थित जो है विट्ठल मंदिर में किया गया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी चोखा मेला जो है एक वर्करी संत, इनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति भाव की गई, ए बी सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं व्याख्या। चोखा मेला जो है 14वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के वर्करी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। इनका जन्म जो है महार जाति में हुआ था। इन्होंने कई अभंगों की रचना की थी, तो वहां पर हमें यहाँ याद रखना है ये भी एक क्या है टर्मोलॉजी है, जो कि किससे रिलेटेड है, वर्करी संप्रदाय से और चोखा मेला से रिलेटेड है। इन्होंने अभंगों की रचना की थी। ये संत नामदेव के शिष्य थे। चोखा मेला बचपन से ही विठोबा के भक्त थे और उनकी कविताओं में विठल के प्रति भक्ति भावना व्यक्त की गई है, इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पर 25 ही क्वेश्चन क्या है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा है, एक्सप्लेन भी करने होते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। आगे देखते हैं, दलित समाज पर भी प्रकाश पड़ता है, ये अपनी पत्नी सोयरा बाई तथा पुत्र कर्मा मेला के साथ पांडरपुर के समीप मंगल बोध नामक स्थान पर रहते थे। इनकी मृत्यु जो है पांडरपुर में हुई और मृत्यु के उपरांत उन्हें विट्ठल मंदिर के सामने दफनाया गया और मंदिर के सामने ही उनकी समाधि बनाई गई, ना कि मंदिर के अंदर, तो सी गलत हो जाएगा हमारा, बाकी सारे ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्माण के पश्चात उनके शरीर यानी धातु अवशेष के वितरण में किसने भूमिका निभाई थी, तो 8 भागों में डिवाइड किया गया था, 8 भागों में इनके शरीरों के जो उसको है बांटा गया था, तो उसमें मेन जो भूमिका निभाई थी इसी वितरण को, 8 भागों में जो वितरण करने का जो कार्य था वो किसने किया था, द्रोण ने किया था, और राजा कौन था, जहा शत्रु था। तो हमारा सही आंसर वितरण में किसकी भूमिका थी, तो वितरण करने वाले द्रोण ही थे, ना तो महाकश्यप थे, उपाली थे। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतिपादक महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता जो है शुद्धोधन कपिल वस्तु की शाक्य गण के प्रधान थे एवं माता जो है माया देवी कोलिये गणराज्य की कन्या थी। उन्हें बोध गया यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 483 ईस्वी में ईस्वी पूर्व कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु के उपरांत उनके अस्थि अवशेष को लेकर विवाद हो गया, इसके 8 दावेदार थे, अतः द्रोण नामक विद्वान ने उनके अवशेषों का बंटवारा किया। अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक था जिसने कुणिक की उपाधि धारण की थी और महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, जबकि उपाली जो है नामक विनय पिटक ग्रंथ के संकलन करता थे। द्रोण यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह कथन किसने लिखा है कि पूरा इतिहास जो है विचारों का इतिहास हो जाएगा, इतिहास है तो कलिंग गुड ही जो है वो सही हो जाएगा। तो यूनिट 10 जो है, यूनिट 10 कम्प्लीटली ज्ञान चैतन्य चैनल पर जो है अपलोड है, आप उसको डिटेल में भी देख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ वही वीडियो देख के जाते हैं तो हिस्टोग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एक भी गलत होने वाले नहीं है, और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करवाएं तो आप उसको भी देख एक बार देख के UGC नेट एग्जाम जो हिस्ट्री का है वो देने जाइएगा। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। RG कलिंगवुड के तो पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है, तो सही बात है, एक हिस्टोरियन की विचारधारा से ही पूरा इतिहास लिखा जाता है, ना कि जो चीजें हैं, चीजों को कौन समझेगा, इतिहासकार ही तो समझेगा, मतलब इतिहासकार के विचार आ जाएगा, दूसरा इतिहासकार है तो दूसरा इतिहासकार किसी दूसरे नजरिए से लिखेगा, तीसरा है तो तीसरा अपने नजरिए से लिखेगा, तो किसी का नजरिया मैच नहीं होता है, या मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कुल मिला के कलिंगवुड जी कहते हैं कि जो इतिहास है वो विचारों का ही इतिहास है। कथन जो है रॉबिन जॉर्ज कलिंगवुड का है। इनका जन्म देख लेते हैं 22 फरवरी 1889 एवं मृत्यु जो है January 1943 ईस्वी को हुआ था। ये कोई मतलब नहीं है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। ये एक दार्शनिक इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें जरूर पूछ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है।
तो इनकी पुस्तकों में प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड मरणो उपरांत प्रकाशित द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की महत्ता को देखते हुए कलिंगवुड ने कहा था, हम ऐसे दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना 1600 से लेकर 1900 ईस्वी तक के बीच प्राकृतिक विज्ञान था। जी एल आर्टन का कथन है कि जांच से स्वतंत्र मृत वास्तविकता है। इनकी प्रमुख कृति जो है इतिहास का अभ्यास है। राके की प्रसिद्ध कृति जो है द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है मतलब शब्द जो है उसका सीक्रेट ये बताते हैं कौन, राके। आगे है, उन्होंने कहा कि इतिहास जो है व्यक्तिगत पुरुषों और राज्यों के अलग अलग विकास से विकसित होता है। तो कि ये क्या है, राके का नजरिया है जो कहता है कि इतिहास क्या है, व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति जो है इसमें विशेष है, खासतौर पर पुरुष, और जो स्टेट है वो अलग अलग विकास में विकसित होते हैं। आगे है ट्रेविलियन, इन्होंने जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखा है और पूर्वाग्रह के बिना कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तो पूर्वाग्रह के बिना कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, ऐसा जी एम ट्रेविलियन ने कहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ऐतिहासिक कानूनी मामलों, ये भी देखिए कितना नया क्वेश्चन है, कानूनी मामलों को पूर्व के बाद क्या है कालक्रम में रखना है। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है, तो कई बार हमारा सही हो सकता है। अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो हम क्या है ये हम लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो 100% क्या है सही होगा, लेकिन बहुत मामले में क्या है सही हो जाता है। तो 50% मान के चलिए सही हो भी सकता है और नहीं भी। आगे देखते हैं यहाँ पर फूलमणी केस, विजय लक्ष्मी केस, महाराजा वियोग केस और रुकमाबाई केस। तो ये वुमेन से रिलेटेड है, जिसने भी एमए में वुमेन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वो आंसर ये क्या है सही कर ले जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा, महाराजा भी योग केस। 1862 का है, विजय लक्ष्मी पंडित जी का नहीं दिया गया है। रुकमाना बाई जो है 1885 का है और फूलमनी केस जो है 1889 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम 15 करेंगे। इस तरह से हमारे चार पार्ट बनेंगे, उसके बाद फिर चार पार्ट और बनेंगे, क्योंकि इस बार जो है एग्ज़ाम हिस्ट्री के दो शिफ्ट में हुए, तो हमारे दो पेपर भी 2021 में हुए थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों के लिए प्रथम तीर्थ केंद्र की स्थापना की, जिसमें स्नान करने के लिए पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं जो सिखों के लिए पवित्र स्थल हो गए थे के निर्माण का स्थान किया गया। तो 84 वाले कुएं जो सिखों के लिए बहुत पवित्र है, गोविंदावाल हो जाएगा, गुरु अमर सिंह गोविंदावाल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुरु अमरदास जो है सिखों के तीसरे गुरु थे, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी एवं अकबर के समकालीन थे। उन्होंने अपनी गद्दी गोविंदावाल में स्थापित की थी। उन्होंने यहाँ पर एक पावड़ी का निर्माण करवाया था और यहीं पर 84 सीढ़ियों वाले कुएं का भी निर्माण करवाया था। ऐसी मान्यता है कि बावड़ी में स्नान करने से सारे रोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो मान्यता है, तो अगर किसी को किसी स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। आगे है, इन्होंने सिक्कों में नई विवाह पद्धति लवन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो लवन का भी प्रारंभ किया था। तो लवन जो है एक विवाह से संबंधित है, वो किसने स्टार्ट किया था, तो वो हो जाएंगे हमारे गुरु अमरदास। आगे है, गुरु नानक सिख जो है सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म जो है तलवंडी पाकिस्तान में हुआ है और 1469 ईस्वी में गुरु करतारपुर में 1539 को हुई। और गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, उनकी उपाधि उपनाम लहना था। लहना किसको कहते हैं, गुरु अंगद को। उन्होंने लंगर जिसको लहना बोलते हैं, उन्होंने ही लंगर व्यवस्था का प्रतिपादन किया था, यानी कि गुरु अंगद ने ही जो है लंगर व्यवस्था स्थापित किए थे। और गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। अकबर द्वारा इन्हें 500 बीघा जो है भूमि प्रदान की गई थी, जिस पर अमृतसर बसाया गया था। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के साथ
देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।